अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं। इम्यूनोलॉजी के अंदर हमारे पास ना सबसे पहले हमें इननेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी का डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास ना इसका डिफरेंस क्या होता है, उससे पहले आपको बताना चले कि ये दोनों चीजें हैं क्या। तो इननेट इम्यूनिटी नाम से पता चल रहा है, इननेट यानी हमारे पास जब हम पैदा हुए थे तो तभी से हमारे पास ये है, तो ये इननेट इम्यूनिटी जो हमारे पास इनबॉर्न होगी। और अडेप्टिव यानी इसको हमने अडेप्ट किया कहीं से, इसका दूसरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, यानी हमने इसको एक्वायर किया। अडेप्टिव तो हमारे पास वो हमारे पास बचपन से नहीं थी, वो हमने बाद में कोई ऐसा केस हुआ है, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसके बाद हमारे पास वो इम्यूनिटी डेवलप हुई है, तो वो अडेप्टिव इम्यूनिटी होगी। अब दोनों में डिफरेंस के हमारे पास ये 8 पॉइंट्स है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो स्पेसिफिसिटी, कि हमारे पास दोनों में से कौन सी चीज स्पेसिफिक है और कौन सी नॉन स्पेसिफिक है। तो अगर हम देखें तो इननेट इम्यूनिटी जो है ना, ये हमारे पास होती है नॉन स्पेसिफिक और ये हमारे पास स्पेसिफिक होती है। इसकी रीजन क्या है, हमारे पास ना डिफरेंट जो माइक्रोबियल ग्रुप्स होते हैं ना, उनके ना कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं। जब वो हमारे पास उनके स्पेसिफिक पैटर्न्स जो है ना, वो जो जैसे वो आते हैं ना सारे के सारे, तो यानी काफी सारे, जैसे देख लो अगर हमारे पास ना हमें 2-3 ये बैक्टीरिया ले लिया, अब देखो तो तीनों के हमारे पास सेम करेक्टरिस्टिक्स है, तो इनका यानी माइक्रोबियल पैटर्न जो है ना वो सेम है। तो इननेट इम्यूनिटी जो है वो इन सब के लिए आपके पास, इन सब ये दो तीनों, हालांकि ये तीनों 1, 2, 3 थे डिफरेंट, लेकिन थे से ना ये दिखने में ये बिल्कुल इनके जो पैटर्न था ना वो सेम था, तो ये इननेट इम्यूनिटी इन तीनों के खिलाफ काम करेगी, तो जिसकी वजह से ये आपके पास नॉन स्पेसिफिक हो जाएगी। और उसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें ये अडेप्टिव इम्यूनिटी, तो ये आपके पास टारगेट करेगी, यानी आपके पास ये नहीं करेगी कि ये तीनों ग्रीन कलर के हैं, तो ये 1 के खिलाफ अलग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, 2 के खिलाफ अलग होगा और 3 कर रहे, तो ये आपके पास टारगेटेड डिफेंस करेगी। तो ये हमारे पास स्पेसिफिसिटी की बात होगी, नॉन स्पेसिफिक और ये स्पेसिफिक होती है। अब हमारे पास इननेट जो है ये हमारे पास ना बचपन से है, तो हमारे पास अभी किसी फॉरेन एजेंट का एक्सपोजर हुआ ही नहीं है, तो एक्सपोजर से हमारे पास ये पहले से अवेलेबल है, तो इस वजह से आपके पास जैसे ही कोई किसी चीज का एक्सपोजर होगा तो आपके पास ये रैपिडली काम करेगी, ठीक है। तो रैपिडली के अंदर विद इन मिनट्स ये काम करेगी। और उसके अलावा हमारे पास लेकिन क्योंकि अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है इसके अंदर अभी हमारे पास फॉरेन एजेंट आएगा उसके खिलाफ वो इम्यूनिटी बनने में टाइम लगेगा, तो इस वजह से हमारे पास ये जो होगी ना ये स्लो होगी और तकरीबन ये कोई डेज लग जाएंगे इस इम्यूनिटी को बनने में, और ये तो आपके पास मिनट्स के अंदर हो जाएगी। उसके बाद अगर हम तीसरी बात देखें तो इसके अंदर आ जाती है इसकी मेमोरी की बात, मेमोरी किसके अंदर होगी। तो हमारे पास ना इननेट इम्यूनिटी जो है वो बचपन से ही है, ठीक है। तो ये आपके पास ना आप सेम ही रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, इसके अंदर कोई ना यानी आपके पास जो फर्स्ट एक्सपोजर हुआ था ना बैक्टीरिया का, अगर वही दोबारा बैक्टीरिया आएगा फिर से इसका रिस्पॉन्स सेम ही होगा, तो इसलिए इसके अंदर कोई भी उसकी मेमोरी नहीं बनती। लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर मेमोरी बनती है, पहला एक्सपोजर हुआ उसने मेमोरी सेल्स बना के मेमोरी कर ली, अब जब सेकंड एक्सपोजर होगा ना तो वो सेकंड एक्सपोजर जो होगा ना उसके अंदर आपके पास फास्ट रिस्पांस होगा, तो फास्ट रिस्पांस होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास ये वर्क के साथ इंप्रूवमेंट हो रही है, तो अडेप्टिव इम्यूनिटी इंप्रूव होती जाती है। उसके अलावा अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इननेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों जो है ना ये बॉडी के अंदर आपके पास ना कुछ सेल्स होते हैं उनके जरिए भी हो सकती है, उसको आप सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कह दोगे, और कुछ होते हैं आपके पास ह्यूमरल प्रोटीन्स। ह्यूमर क्या होता है, बॉडी के फ्लूइड्स को ह्यूमर कहते हैं, तो वो जो ह्यूमर है ना उस बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स जो है उनके जरिए आपके पास जो इम्यूनिटी क्रिएट होगी तो वो ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाएगी। तो अब किस तरह हमारे पास होंगे ये, कौन कौन सी चीज है, कौन कौन से सेल्स है जो के इन दोनों में करते हैं, तो उनके अंदर अगर हम नाम देखें तो हमारे पास इननेट इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स होते हैं ना वो होते हैं एनकेसी सेल्स या फिर नेचुरल किलर सेल्स कह देते हैं या एनकेसी कह देते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे पास मैक्रोफेजेस। और इधर अगर हम देखें तो हमारे पास इधर कौन से होंगे, तो अगर इधर होंगे CD4 और CD8। अब ये CD4 और CD8 क्या है, तो CD स्टैंड्स फॉर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी आपके पास ये सारे सेल्स जो हैं ये सारे के सारे डिफरेंट स्पेशलाइज्ड हैं, डिफरेंशिएटेड है, इनका जो क्लस्टर है ना वो आपके पास ये होगा। तो CD4 जो है ये आपके पास किसके लिए होते हैं, ये आपके पास हो जाते हैं टी हेल्पर सेल्स, और जो CD8 सेल्स हैं ये आपके पास हो जाते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स।
तो ये आपका CD4 और CD8 जो है ये आपके पास इधर यूज हो जाएंगे। अब अगर आ जाए हम ह्यूमरल प्रोटीन्स के ऊपर, तो ह्यूमरल प्रोटीन्स के अंदर अगर हम देखें तो इननेट इम्यूनिटी के लिए आपके पास, आपको पता है हमने फिजियो में भी पढ़ा हुआ है, एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसके अंदर कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, 20 के करीब प्रोटीन्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। तो वो जो पूरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वाला, वो पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, वो आपके पास इधर इननेट इम्यूनिटी के अंदर आ जाएंगे। और इधर अगर हम देखें तो हमारे पास अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर आपके पास क्या चीज आएगी, तो हमारे पास देखें एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज भी तो क्योंकि प्रोटीन्स है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन इनको हम कहते हैं, किन सेल्स से बनती है ये, बी सेल्स जो है वो हमारे पास एंटीबॉडीज बना रहे होते हैं, पहले प्लाज्मा सेल्स बनते हैं उसके बाद एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज है ना ये हमारे पास अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर ना ह्यूमरल इम्यूनिटी क्रिएट कराएंगे, तो अडेप्टिव ह्यूमरल इम्यूनिटी क्रिएट कराएंगे। अब हमारे पास ना एक्टिवेशन इनकी इस तरह होगी, तो आपके पास ना इननेट इम्यूनिटी की एक्टिवेशन के लिए आपके पास कोई भी अगर फ्री एंटीजन आ गया ना, यानी अगर हम देखें ये हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के ऊपर ना यहाँ पे यू एंटीजन प्रेजेंट हुए हुए होते हैं, ये एंटीजन पड़े हुए होते हैं, ये फ्री एंटीजन कहलाते हैं। तो आपके पास कोई भी अगर फ्री एंटीजन आ गया है ना, तो वो फ्री एंटीजन आपके इसको एक्टिवेट कर देगा इननेट इम्यूनिटी को, लेकिन इधर के लिए आपको सेपरेट एंटीजन प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, एंटीजन प्रेजेंटेशन। और एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए आपको पता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जिनके अंदर डेंड्रिटिक सेल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ सकते हैं और बी सेल्स आ सकते हैं। तो ये तीनों होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जाके आपके पास जो यहाँ वाली सेल्स है ना, ये इन सबको जाके वो प्रेजेंट, टी हेल्पर सेल्स को जाके वो ना प्रेजेंट करते हैं उस एंटीजन को। जिसका अगर हम मैक्रोफेज की एग्जाम्पल लें तो मैक्रोफेज जो है वो जाके अपने ऊपर यहाँ पे MHC ना 1 प्रोटीन के थ्रू यहाँ पे रहेगा, दूसरी तरफ टी हेल्पर सेल का रिसेप्टर होगा उसके ऊपर वो जाके उसको एंटीजन को प्रेजेंट करेगा। वो एंटीजन प्रेजेंट होगा तो आपके पास टी हेल्पर सेल जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि आगे अपना फर्दर अफेक्ट कर लेगा। तो इस तरह करके हमारे पास इसकी एक्टिवेशन के लिए एंटीजन प्रेजेंटेशन की जरूरत है, इसके अंदर फ्री एंटीजन से काम चल जाता है। उसके बाद आते हैं इसकी एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स के अंदर देखें आपके पास सबसे पहले जब बॉडी के अंदर कोई भी बाहर से बहना बैक्टीरिया आ गया कुछ भी आ गया, तो सबसे पहले आपके पास कौन सी चीज काम में आती है, न्यूट्रोफिल्स आ रहे होते हैं। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना ये फौरी से आपके पास उस जगह पे आके क्या करते हैं, सेल्स करते हैं उसको, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और बहुत सी वजह से किसी स्पेसिफिक को नहीं, बल्कि जिस तरह ये पूरा का पूरा आपके पास ना वो सारा का सारा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग क्या कहते हैं आपके पास, वो सारे के सारे जो फीचर्स है ना, उन सब सारे फॉरन एजेंट्स के फीचर्स जो सारे सारे सेम है ना, तो उन सब सब में तो उनका एक फीचर तो यही हो जाएगा ना कि वो सारे फॉरन है, तो वो एक कॉमन फीचर है, या सेल वॉल सब में जो बराबर उनमें डिफरेंस सिमिलैरिटी होगी, उस बेसिस पे जाके उन सबको क्या कहते हैं इसने कर देना है उनका खात्मा। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो जाएगी इननेट इम्यूनिटी की। और इधर ही हम अगर अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या करती है आपके पास, अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर आप अगर हम देख लें एक अदद वैक्सीन देख लें, चलो न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो अब ये न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है ये हमारे पास जो है एक अदद अडेप्टिव इम्यूनिटी की एग्जांपल है। और ये किस तरह हम देखें, अगर हम सबसे पहली जो इसकी फर्स्ट डोज होती है ना वो अगर हम देखें तो वो 7 to 10 days के अंदर आपके पास रिस्पॉन्स लेकर आती है, लेकिन जो इसकी बूस्टर डोज होती है ना वो हमारे पास 2 to 3 days के अंदर ही अपना रिस्पांस ले आती है। तो देखिए वो इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है, फर्स्ट डोज के बाद बूस्टर डोज के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है इफेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडीज बनाने के लिए, तो वो एंटीबॉडीज के थ्रू आपके पास अडेप्टिव इम्यूनिटी करवाती है क्रिएट। तो इस तरह करके ये चीजें होगी। अब इनके अगर हम मेजर फंक्शन देखें तो इसके अंदर आपको पता है इसमें अब बी सेल्स और टी सेल्स नहीं आगे, हमने इन्हीं को सारा का सारा पढ़ना है, तो इन्होंने जाके बी और टी सेल्स ने क्या करना है, इन्होंने जाके रिकोगनाइज करना है, ठीक है, इन्होंने जाके रिकॉग्नाइज कर लेना है एंटीजन्स को। एंटीजन्स को जैसे ही इन्होंने रिकॉग्नाइज करना है तो इन्होंने उसके खिलाफ इम्यूनिटी करा लेनी है। इसके क्या काम है, इसके तीन काम होते हैं। पहला इसका जो काम होता है ना इसने करना होता है होस्ट डिफेंस, दूसरा आपके पास जो डैमेज टिश्यूज होते हैं ना उनको हील भी इसी ने करना होता है, तो हील डैमेज टिश्यूज। और इसके अलावा जो डेड सेल्स होते हैं उनको क्लियर भी तो करना है ना, तो वो जो क्लियर करते हैं ना तो क्लियर डेड सेल्स।
तो ये तीन फंक्शन जो है इननेट इम्यूनिटी के हैं। तो ओवरऑल ये हमारे पास जो है पूरा का पूरा डिफरेंस है इननेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी का। आई होप आप सबको समझ आ गई हो। थैंक यू, कीप शेयरिंग।